हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी, तो चलिए बनाते हैं टमाटर की चटनी। चटनी के लिए मैंने 3 टमाटर लिए, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। 1 प्याज लिया है, 3 हरी मिर्च लिए और थोड़ा सा धनिया लिया है। तो गैस पे जाली रख कर और टमाटर को अच्छी तरह सेक लेंगे। टमाटर सेक गए हैं, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आज मैं ये चटनी चॉपर में बनाऊंगी, आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो मैंने एक चॉपर लिया, उसके अंदर मैंने प्याज काट के डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दिया और धनिया डाल दिया। इसको हम आधा पीस लेंगे। तो टमाटर हमारे ठंडे हो गए, तो अब हम इसको भी छील लेंगे। टमाटर को मैंने छील लिया है। अब हम टमाटर के छोटे छोटे पीस कर देंगे। मैंने इस टमाटर को छलनी में छान लिया है। अब हम इस टमाटर को भी चॉपर में डाल के चॉपर कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी बन गई है, तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। जो मैंने टमाटर को छान के पानी निकाला था टमाटर का, वो अब इसमें डाल देंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि मैंने 3 हरी मिर्ची डाल रखी है। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है सफ़ेद वाला, आधा चम्मच मैंने काला नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो लो, ये चटनी हमारी बनके तैयार हो गई। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने आज इसमें लहसुन नहीं डाला है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक बार ज़रूर आप ट्राई करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।